हमें कैप्चा कोड क्यों भरना पड़ता है, बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता और महेंद्र सिंह धोनी के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। नंबर 6, अमेरिका में करीब 50 साल से चेरी पुट स्प्लिटिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। इस गेम में चेरी खाकर उसके बीज को मुंह से सबसे दूर थूकने वाले को विजेता घोषित किया जाता है। इसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा जैसे देशों में खेला जाता है। क्या यह खेल भारत में भी आना चाहिए? नंबर 5, सबसे पहले खून ट्रांसफर की प्रक्रिया साल 1667 में हुई थी, तब यह परीक्षण दो कुत्तों के बीच किया गया था। नंबर 4, क्रिकेट में पहली टेस्ट कूलर गार्ड का उपयोग साल 1874 में हुआ था, वहीं पहला हेलमेट 1974 में यूज हुआ था। मतलब आदमियों को यह समझने में 100 साल लगे कि सिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके इस पर क्या विचार है? नंबर 3, महेंद्र सिंह धोनी के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। धोनी ने मात्र 0.08 सेकंड में सबसे तेज स्टंप आउट करके रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। आप इस स्पीड को ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी आंखों की पलकों को झपकने में 0.10 सेकंड लगते हैं और ये स्टंप आउट 0.08 सेकंड में हुआ था। नंबर 2, बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता? दरअसल दोस्तों, बाइक का टोल टैक्स ना लगने का सबसे बड़ा कारण है कि बाइक का वजन अन्य गाड़ियों की तुलना में बहुत कम होता है और यह सड़क पर बहुत कम जगह लेती है और बाइक से हम ज्यादा दूरी भी तय नहीं कर सकते, इसीलिए दो पहिया वाहनों का टोल टैक्स नहीं लगता। नंबर 1, कैप्चा कोड क्यों भरना पड़ता है? दरअसल दोस्तों, कैप्चा कोड का उपयोग वेबसाइट को स्पैम से बचाने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से इंसानों और रोबोट में फर्क किया जा सकता है। कैप्चा कोड को वेबसाइट पर डालने का सिर्फ एक ही मतलब होता है, जो कि वेबसाइट को हैकर या स्पैमर से बचाना होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स वीडियो के साथ।